नहीं होता अगर आपको खाना खाने जाना है तो क्यों नहीं करना था ऑनलाइन ऑर्डर? आपको एक गैर मुस्लिम गैर मेहरम के साथ जाके खाना खाना है बट आपको ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करना है। यू आर वेयरिंग हिजाब बट यू आर नॉट फॉलोइंग द लॉ द इस्लाम। आप मैं आपको इस्लाम बता रहा हूँ। आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टेल यू द लॉ बट आई एम द पर्सन हु कैन टेल यू अबाउट द इस्लाम। ओके डोंट डाउन द इस्लाम। ओके आई एम टेलिंग यू ठीक है। नो वन विल अलाउ यू टू लेट डाउन द इस्लाम ठीक है। रिक्शा में ले जाओ आप अच्छे से समझे रिक्शा आप अच्छे से समझे ठीक है। कोई नहीं मारिया कोई टच नहीं करेगा कोई टच नहीं करेगा उनके भाई कोई टच नहीं करेगा। कम बदनाम हो रहे हैं ये इनको समझाओ ना। तो आप मार्केट में खड़े हुए थे अग्रवाल सीट के इधर तो वहाँ से हमने देखा कि कम से कम 40 से 50 विशेष समुदाय के लोग थे उनकी भीड़ थी। वो दो लड़का लड़कियों को मार रहे थे तो हमें ऐसा पता चला था कि ये उसमें जो लड़का था वो हिंदू था और ये लव जिहाद वगैरह इसी बात कर भगवा जिहाद इसी बात कर रहे थे। तो वो उसको मारते मारते थोड़े आगे आया था यहाँ पर शौचालय वहाँ तक लाया उसका और ज़्यादा मारते हुए ये वहाँ पर गए अपना राजकुमार ब्रिज जो आता है नेहरू पार्क के इधर वहाँ तक उसको ले गए मारते हुए। तो हम भी इधर साइड से आगे जा रहे थे फिर वापस हमको टकरा गए तो हमने देखा वो एक जने को इतने सारे जने मार रहे थे तो हम उसके बीच बचाव में गए थे। तो वहाँ पे कुछ लोगों के हाथ में धारदार हथियार थे जिससे उन्होंने हम पे वार कर दिया। लड़की क्या बुरखा बुरखा पहनी थी कुछ उसने लगा रखा था मुँह पे बुरखा लगा रखा था मतलब ऐसा पूरा वाला नहीं लगा था जो कपड़ा बांधते सिर पे और इस पर तो लड़का कौन था? लड़का जो था ये इसे हमें पता चला था कि जब बाद में हम इनसे मिले थे तो वो बता रहे थे कि ये बाहर से आए हुए हैं अरविंदो में MBBS की तैयारी कर रहे हैं। MBBS तो दोनों लड़का लड़की दोस्त थे मतलब वर्ग विशेष थी और ये हिंदू समाज जी। छेड़छाड़ जैसी कोई बात नहीं थी। रात में एक होटल पर एक युवक और युवती दोनों खाना खा रहे थे। उसको एक जो लड़की थी संभवतः मुस्लिम समाज की थी उसको वहीं होटल पे कुछ लोगों ने देखा कि ये मुस्लिम समाज की लड़की है और जो लड़का था वो हिंदू समाज का था। इस बात पर जो है उनका जब वो होटल से निकले तो पीछा किया राजकुमार ब्रिज के पास में आकर उनको रोका और रोकने पर जो है लड़की को रोक कर पूछताछ की कि तुम क्यों गैर समाज के लड़के के साथ घूम रही हो। इस पर लड़की ने कहा कि मैं अपने घर वालों की रजामंदी से उनको बताकर ही खाना खाने आई हूँ मैं। लड़की ने आपत्ति व्यक्त की। उसके बाद वहाँ पर कुछ अन्य समाज के लड़के भी थे जिन्होंने बीच बचाव की कोशिश की। तो जो मुस्लिम समाज के लड़के थे उन्होंने उस लड़के का पीछा किया और पीछा करने के बाद में उसके साथ मारपीट भी की। बचाने जो युवक आए थे उनके साथ बाद में हाथापाई की मारपीट की और उनके पास चाकू भी थे जिससे बचाने आए हुए युवक के ऊपर उन्होंने हमला किया। पुलिस ने इसमें 307 का प्रकरण दर्ज कर लिया है और जितने भी आरोपी इसमें थे इनको नामजद किया जा रहा है। 7 आरोपी इसमें नामजद हो चुके हैं और 307 का प्रकरण थाना तोकुंज में पंजीबद्ध कर लिया गया है और जिस युवक ने चाकू से हमला किया था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।